ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜੀ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪੁੰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ। मैं ठीक से हम जब जो तरफ जवाब ले लेंगे काम में आएगा तो नहीं बात कोई किसान दो और पार्टी जे जेपी हैं नल्लो हैं उनका की भी ना यो भी कुछ नहीं जी जी या तो कुछ भी नहीं है आज पारे तो न्यू कंधे 75 पारे हाँ दुष्यंत कंधा इन्ना करांगे जब ना पारे और फिर एक जुट हो गए। दुराना विधानसभा सर्वे में हम गाँव बिरौली पहुंच चुके हैं। नमस्ते मेरा नीतीश चहल और आप खास हरियाणा देख रहे हैं। आइए लोगों से पता करते हैं यहाँ की क्या समस्याएं हैं और पिछले 9.5-10 साल में क्या यहाँ पे विकास हुआ है। और गाना वो आखिरी वो बोली गया मैं तो आंदा भी नहीं पानी का बता मैं कोई सीधी एना तरफ छोरा लवन दे तरफ मतलब लिख लगा पानी चीन है रहा वो पानी नहीं मिल क्या जवाब दिया था सर उन गाना वाले वाला पानी आएगा तो वोट मांगने जी पाएगा तो तेरे काम में पुण्य का पानी आएगा। मैं ठीक से हम जब जो तरफ जवाब ले लेंगे काम में आएगा तो नहीं बात कोई। अभी लोकसभा चुनाव थे क्या समीकरण रहे थे गाँव के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल था क्या मुद्दे थे। ये थे बस खास के लाले इसके नकाशी के पानी के मरते ये मुद्दे थे। अब जब विधानसभा चुनाव आने वाला 2 महीने बाद स्टेट के क्या मुद्दे रहेंगे गांव के क्या मुद्दे हैं आपके बच्चे देख के वोट देना। हम तो ये बात हमारा गांव में काम करेगा ना जो निकासी या पानी का हम तो उसकी वोट देंगे जो हमारे गांव के काम बनेंगे ठीक है ना। पर काम नहीं है तो हमारा जो नहीं काम बनेगा तो हमारा जीव नहीं करेगा हम तो कुछ ही पलटी वोट नहीं करा काम नहीं होगा फिर फायदा ही नहीं मन नहीं रही चीज का बता दो क्या समस्या है। समस्या तो है कि इतना हो रहा था पानी आ रहा है आग निकासी नहीं आगे प्लाट आ गए इस मुकाम से मेरा मुकाम में इतना पानी था राम प्रसाद आप को रास्ता इस मस्त ये इतना पानी पड़ा तो पाला के राम में पानी में पड़ा भीतर लगे भीतर पानी पड़े इले सांदी के गेट पे तो लग गए इतने सांदी मैं कोई आया भाई जो मैं साल कर दूं कोई भी नहीं कुछ भी नहीं कोई भी नहीं नून नकाशी जोड़ है इस पास से हाँ जोड़ है पूरा और जोड़ में नकाशी होनी चाहिए पानी 11 किले का जोड़ है। अच्छा एक ही बस इतना ढूंगा और एक नून है लाल एक सब किले का जोड़ी है लाल किले का जोड़ को इसमें भी नकाशी जोड़ को हो सकता है इतने साल से समस्या कोई आया पानी पहले मारे ठीक थे पानी हो गया 5-7 साल तो बदलाव हो गया पहले मारा पानी बहुत बढ़िया ये जोर नीचे अंदर है नीचा पानी बढ़िया जो 70-80 वाले थे पानी बहुत बढ़िया थे नल के आगे 5-5 वाट का घंटा थे बढ़िया बढ़िया वो पानी मार रहे थे सारी खराब पानी क्या सड़क रोड वगैरह गल वगैरह पड़े या ऐसे ही सारे गले सारी ये अभी कोई फूटी फूटी गल कोई खराब हो गया अनून भी दबा है कई सारी दबा है मकान दबा है कोई लाले एक्शन बुला लिया इधर नेशनल बुला लिया पूरे अपनी कोठी पे मारा दौड़ हो गया पानी आ जाए तारा और फिर नंबर अच्छी फिर मैं एक साइड में लेकर हम तो भीतर बतला रहा मारा दौड़ नहीं बता भीतर लेकर हम भीतर हमने बतला रहा कि अब हम कुछ क्या बोल रहा क्या उसने बोला क्या उसने बोला क्या उसने बोला हम खुद आए हैं इलेक्शन का माहौल देखा भाई क्या समस्या है लोगों की समस्या ऊपर बतानी आप बोल देंगे तो बता देंगे नहीं आप बता फिर भी विधायक ने क्या समस्या तो काम कटवा देंगे मतलब कितने काम कराए 4.5 साल में सारे 9 साल तो बीजेपी सरकार किसे काम रहे कुछ नहीं सर महंगाई तो सब मिले कुछ नहीं महंगाई ज्यादा है दुपर जमीन मंडी में क्यों बेचन जाए उड़े धक्के लग गए बाजरा नहीं खरीदी सरकार छोड़ मारी खरीदी नहीं लोग फिर मशीन लाओ नमी देखे फलान देखेंगे कुछ नहीं कल ही कल शाम को कल ही है
9.5 साल या जो बस भाई सरकार है अब इसमें कल ही गली है किसान दो और पार्टी जेजेपी ही नल्लो है उनका की भी ना यो भी कुछ नहीं जी 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 या तो कुछ भी नहीं है जेजेपी यार देख लिया जी हो दिया था अग में अब राजे बोल दे अब में देवलाल का पोता है देवलाल वर्गा है काम करेगा लेकिन सुने मेरे बने काम के करेंगे कांग्रेस नून जा रहे है ये नून जा रहे है ये बाहुए है सारे नून भी वह है नून भी वह है करांगे नू बोले 40 सीट दे दो जब कर दूंगा क्या उनका बोले अब किसकी टक्कर देखो विधानसभा चुनाव में इनकी टक्कर होगी इनका दो पार्टियां रहा होगा कौन सी तीन पार्टियां रहा होगा कौन सी टक्कर भाजपा कांग्रेस भाजपा तो कौन बढ़िया दावेदार है स्टाफ के साथ में भाजपा तो दावेदार कौन है कांग्रेस से भाई नो है दिखा दी ये बेरा नहीं के करेंगे तो नू सोचते हैं जानू कांग्रेस दहा के करेगी कांग्रेस में क्या अच्छा लगा क्या कांग्रेस कांग्रेस ने तो जमींदारा में तो सुतरा कराया है अभी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया खट्टर साहब मुख्यमंत्री सैनी साहब मुख्यमंत्री को फायदा हुआ बीजेपी का मुख्यमंत्री बदलेगा युवाओं की समस्या युवाओं में एक तो अपना स्पेशल एक अवैध कब्जे बिल्कुल इनका दो हथौर पर पजे हैं विधायक जी काम रहा 4.5 साल विधायक सरकार में थे खुश नहीं भाई आपने जो पानी मारा हुआ है वाले वहाँ परस्पर सा खाते रहे और ये आप देख सको गाड़ा की हालत कितना टाइम था गाड़ा में या भाई कई साल लगा है वो बैटरी है ना ही पहाड़ी है याद जान करके तो पक्की थी पानी चढ़ा था घर मानना चाहता अच्छा तो किसने पढ़वाया मतलब सरपंच ने विधायक किसने पढ़वाया करीब की चाहो सरकार तो बाकी हरियाणा के राज्य के मुद्दे हैं आपको आर्ग्रेस पे इलेक्शन होगा हरियाणा राज्य कौन से मुद्दे जिन पे इलेक्शन होगा लगने तो पहले ग्राउंड लेवल तक करेंगे नहीं गांव में दसी भी उठ जाएंगे मैं आपकी गांव समस्या पूछी मैं ऊपर की वजह पूछूँ हरियाणा राज्य कौन से मुद्दे जिस पे इलेक्शन हो उसका भाई आप मुख्यमंत्री किसने देखना तो कौन सा मुख्यमंत्री ठीक है कौन सी सरकार ठीक है बीजेपी बढ़िया कुछ बढ़िया बीजेपी के लग गया बीजेपी में भाई एक तो संपूर्ण सारा सिस्टम बढ़िया रखा है करप्शन रोक के रखा है या उनकी पार्टी से और किसी की पार्टी से हो उन अंदर से देख रहे हैं ठीक है और इनमें तो कांग्रेस का टाइम में था सारे आप अपने काफी देखने मिले हैं 9.5 साल से बीजेपी सरकार आपको दिक्कत हो रही है पानी की भी दिक्कत है गलियां की भी दिक्कत है ये तो है फिर भी 9.5 साल बीजेपी सरकार बात मान ली ये तो निचले सिस्टम करे ऊपर ले तो नहीं कर रहे ऊपर वाले मतलब ऊपर ऊपर मंत्री प्रधानमंत्री ऊपर ले तो नहीं कर रहे और निचले गड़बड़ कर रहे हैं सिस्टम तो सरकार के हाथ में है सरकार के तो हाथ में जो निचले का है सिस्टम तो किस समय समस्या ले गए थे लेकिन दिक्कत हुई गाँव में जैसे बजरंग दल का युवा खेल मंडल का बिरोड़ी का एक संगठन है उसके अंदर वीडियो डाल दी है सरपंच जी भी है ना है और है रोजगार वगैरह है विकास है छोटे विकास सारा सब ठीक है वो तो धीरे धीरे तो होने लग रहा है एकदम तो सारा सिस्टम नहीं होने लग 9.5 साल तो सरकार है धीरे धीरे लंबा टाइम होगा सरकार वो तो होगा लेकिन बढ़िया है बढ़िया मेरे लिए तो बढ़िया भाई और किसी का मन बोल मैं क्या पता मैंने नहीं वो तो आपकी आपकी खुद की इच्छा है और मुकुंद भाई जो डाटा थे हम जो डाटा जीते जेजेपी जीती थी तो डाला नाम पे विजय हुई थी सारी उनका क्या माहौल उनका तो क्या पता अपना ये थे बिरोली की जनता इन्होंने अपनी गांव की बहुत सारी समस्याएं बताई इनकी पानी की भी समस्या है गलियों की भी समस्या है जिसका दृश्य आप देख सकते हैं साथ में और देखते हैं कि विधायक जी आने वाले समय में कैसे विकास करते हैं इनका कहना है कि 4-5 बार विधायक जी आए भी हैं लेकिन उनका समाधान अभी तक नहीं हो सका है देखते रहिए खास रहना मैं हूं नीतीश चहल मेरे साथी साहिल के साथ धन्यवाद।